हाँ जी, तो सीन्स कुछ ये हैं कि पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हो गई है, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेलेगी 1 दिसंबर से। एक बड़े अरसे के बाद टेस्ट सीरीज़ होनी है इंग्लैंड पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अंदर। और आई थिंक पीसीबी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है कि किस तरह से फैंस की सारी एक्साइटमेंट ख़त्म करनी है। या तो बिल्कुल डेड कंडीशन बना दो जैसे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बनाई थी, या ऐसी स्क्वाड अनाउंस करें जो स्क्वाड पाकिस्तान की अभी अनाउंस हुई है। थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं, लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह कि हमें टीम को सपोर्ट करना है, जो प्लेयर सेलेक्ट होगा उनको सपोर्ट करें, बिल्कुल करेंगे। पाकिस्तान टीम हमारी प्रायोरिटी है, पाकिस्तान पहले है। लेकिन कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया समझ में नहीं आते। फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं हमारे पेस अटैक से। अब शाहीन शाह आफरीदी हमारा पेस अटैक लीड करते हैं, अब वो अवेलेबल नहीं है तो कम से कम उनकी रिप्लेसमेंट ऐसी हो जो उनको मैच कर रही हो। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हमारा मिसिंग है, तो आप मीर हमज़ा जैसे बॉलर के पास जाते कि वो लेफ्ट आर्म भी है, उसके पास स्विंग करने की एबिलिटी भी है। मीर हमज़ा जैसे 90+ टेस्ट मैचेस, फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं और 350+ विकेट्स लिए हैं, 2.7 या 2.6 की इकोनॉमी है, तो एक अच्छा हमारे पास रिप्लेसमेंट था शाहीन का लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के लिए। लेकिन मीर हमज़ा को बिल्कुल इग्नोर किया गया और उसके ऊपर तरजीह दी गई इनएक्सपीरियंस्ड फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हारिस रऊफ, वसीम जूनियर, इन लोगों को। अच्छा, नथिंग अगेंस्ट हारिस या वसीम, मैं क्लियर कर दूँ पहले ही। दूसरा, मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान टेस्ट टीम का एक हमेशा से इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं, ओवरसीज़ भी और होम सीरीज़ में भी, बट अगेन वो भी कहीं गायब हो गए। अच्छा, अब आ जाते हैं वसीम जूनियर पे, हारिस पे। देखिए, हारिस नो डाउट बहुत अच्छे इंप्रूव बॉलर हैं लिमिटेड फॉर्मेट में, खास करके T20 में। अब मुझे एक बात बताइए, अब हारिस रऊफ को T20 के परफॉर्मेंस पे आप टेस्ट क्रिकेट खिलाएंगे? फर्स्ट क्लास का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वसीम जूनियर ने 7 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं, आप उनको भी टीम में रख रहे हैं, आप इतने सारे इनएक्सपीरियंस क्रिकेटर्स को रख रहे हैं, तो फिर बाकियों के साथ ये ज्यादती नहीं है? जो 4-day मैचेस खेल रहे हैं, जो डोमेस्टिक खेले जा रहे हैं, कायद अजम ट्रॉफी खेल रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, और वो भी ऐसी सिचुएशन में खेल रहे हैं, याद रखिएगा, कोई क्राउड नहीं आता, कोई लाइव नहीं देखता उनको, कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई डोमेस्टिक का हमारे यहाँ एक रुझान नहीं है, तो ऐसे में वो परफॉर्म कर रहे हैं, मुसलसल अपनी अपनी अपने आप को नेशनल टीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी जगह आप उन प्लेयर्स को मौके दे रहे हैं जिनका करियर ही T20 से स्टार्ट होता है। ताबिश खान को पहले पीसीबी ने ज़ाया किया, अब मीर हमज़ा की बारी है। ताबिश खान को कभी नहीं खिलाया, जब वो 36 के हो गए उनको टेस्ट टीम में सेलेक्ट किया, तो ताबिश खान के बाद अब मीर हमज़ा जो है वो इनके रडार में आ गए कि एक और बंदा है उसको वेस्ट करो।